बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا। السلام عليكم ورحمة الله وبركاته। إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेइंतहा शुक्र और एहसान है कि जिसकी तौफीक और मदद से दुरूस सीरत का हमारा यह सिलसिला कामयाबी के साथ आगे बढ़ रहा है। मदनी ज़िंदगी पर हमारे मुहाजरात हो रहे हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो ज़िंदगी जो मदीने में गुजरी थी, मदनी ज़िंदगी के हालात हम आपके सामने मुसलसल पिछले कई दुरूस से बयान कर रहे हैं। आज की हमारी गुफ्तगू इंशाअल्लाह ताला अहद मदनी में मुनाफिकीन का क्या रोल रहा, मुनाफिकीन का क्या किरदार रहा, मदनी ज़िंदगी में मुनाफिक कैसे पैदा हुए, क्या क्या उनकी शरारतें रहीं और शरीयत ने उनके ताल्लुक़ से क्या मौक़िफ़ अपनाया, इस हवाले से इंशाअल्लाह ताला आज की हमारी गुफ्तगू होगी। सबसे पहली बात कि निफाक या मुनाफिक किसे कहते हैं। निफाक की दो किस्में हैं, मुनाफिक की दो किस्में हैं। एक मुनाफिक एतिकादी, जिसे निफाक एतिकादी कहा जाता है, और ये किसे कहते हैं, एक ऐसा शख्स जो दिल से मुसलमान नहीं हुआ है, दिल में कुफ्र को छुपाए हुए है, बस जाहिर में कुछ दुनियावी फ़ायदों के लिए ख़ुद को मुसलमान बताता है, मुसलमानों के साथ रहता है। इसको हकीकत में असल में मुनाफिक इसी को कहते हैं, इसे मुनाफिक एतिकादी कहा जाता है। और यही वो मुनाफिक है जिसके सिलसिले में शरीयत कहती है कि उसका अंजाम काफिरों से बदतर होगा। और एक निफाक है, एक मुनाफिक है जिसे निफाक अमली कहा जाता है, मुनाफिक अमली कहा जाता है। निफाक़ अमली किसे कहते हैं? एक मुसलमान दिल से मुसलमान है, दिल से अल्लाह और उसके रसूल पे ईमान रखता है, मगर उसकी अमली ज़िंदगी में ऐसी सुस्ती, ऐसी काहिली और ऐसी सिफ़ात पाई जाती हैं कि शरीयत ने उनको मुनाफिकीन की सिफ़त करार दिया। मुसलमान है, दिल से ईमान रखता है, मगर नमाज़ों में सुस्ती करता है, ये निफाक़ की सिफ़त है। मुसलमान है, दिल से ईमान रखता है, मगर बात बात में झूठ बोलता है, ये मुनाफिक की सिफत हुई उसके अंदर। तो पहला मुनाफिक जो मुनाफिक एतकादी है वो तो मुखल्लद फिन्नार है, और रहा ये निफाक जिसे निफाक अमली कहा जाता है, ये कबीरा गुनाह के हुक्म है। अल्लाह चाहे तो माफ़ करके डायरेक्ट जन्नत में भेजे ऐसे शख्स को, या फिर उसके गुनाहों की सज़ा देकर उसे फिर जन्नत में तो वो जाएगा। हमारी जो गुफ्तगू है आज के दर्स में अहदे मदनी में मुनाफिकीन, इससे मुराद मुनाफिकीन की पहली किस्म है, यानी वो लोग जो दिल में कुफ्र को छुपाए हुए थे और जाहिर में ख़ुद को मुसलमान बताते थे। आज हमारी गुफ्तगू इस तबके से मुतालिक होगी इंशाअल्लाह ताला। जब हम कुरान मजीद खोलते हैं, कुरान खोलने के साथ ही दूसरे सफ़े ही में आपको नज़र आएगा अल्लाह तबारक व ताला बड़ी तफसील के साथ मुनाफिकीन की सिफात बयान करता। वमिन अन्नासि मन यक़ूलु आमन्ना बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिर व मा हुम बिमुमिनीन। कुछ लोग ऐसे हैं जो ज़बान से कहते हैं कि हम अल्लाह पर और आखिरत पे ईमान रखते हैं, हालांकि वो मोमिन नहीं हैं, इसलिए कि उनके दिलों में वो बात नहीं है जो ज़बान कह रही है। युखादिऊन अल्लाह वल्लज़ीना आमनू, ये हकीकत में अल्लाह को धोखा देना चाहते हैं, ईमान वालों को धोखा देना चाहते हैं। वमा यखदऊन इल्ला अनफुसहुम वमा यशऊरून, और हकीकत में ये धोखा खुद उनकी अपनी ज़ात के लिए, वो अपने आप को धोखा दे रहे हैं, अल्लाह को तो धोखा नहीं दे सकते हैं। उसके बाद अल्लाह तबारक व ताला ने काफ़ी आयतों में इन मुनाफिकीन की सिफ़ात बयान की। हजरात, मदीने की ज़िंदगी में मुनाफिकीन क्यों पैदा हुए, कैसे पैदा हुए? सबसे पहली बात हम आपको बता दें, मुनाफिक मक्के में नहीं पाए जाते थे। जब तक प्यारे नबी 13 साल मक्के में रहे नबी बनने के बाद, मदीने में मुनाफिक नहीं, मक्के में मुनाफिक नहीं थे। क्यों नहीं थे मक्के में मुनाफिक? इसलिए कि मक्के में मुसलमान कमज़ोर थे, इस्लाम कमज़ोर था, जिसको भी मुसलमानों से दुश्मनी थी वो खुल के सामने आता था, बरमला अपनी दुश्मनी का इजहार करता था, वहाँ दुश्मनी को छुपाने का कोई रीज़न नहीं था। निफाक वहाँ पाया जाता है, मुनाफिक वहाँ पैदा होते हैं जहाँ इस्लाम पावरफुल होता है, इस्लाम ताकत में होता है। मदीने में चूँकि मुसलमान, उनको एक इख्तियार मिल गया, इख्तियार मिल गया, हुकूमत मिल गई, मुसलमान पावरफुल हो गए, ताकत वाले हो गए, तो ऐसे में जो लोग खुल्लम खुल्ला दुश्मनी का इजहार नहीं कर सकते थे, उन्होंने निफाक के पर्दों के पीछे अपने आप को छुपाए रखा। कुछ ऐसे लोग पैदा हो गए जो अपने आप को ज़बान से मुसलमान कहते थे लेकिन दिल में कुफ्र छुपाए हुए थे। कभी उन्होंने मुसलमानों का भला नहीं चाहा, कभी उन्होंने मुसलमानों का खैर नहीं चाहा। कैसे शुरू हुआ निफाक, मुनाफिक पैदा कैसे हुए मदीने में? जैसे हमने पिछले किसी दर्स में बताया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत मदीना से पहले, आपके मदीना आने से कबल, मदीने के जो दो कबीले थे औस और खजरज, औस और खजरज के दरमियान मुसलसल लड़ाइयाँ रहती थीं, जंगें जारी रहती थीं, और दोनों का काफ़ी नुकसान, औस का भी खजरज का भी काफ़ी जानी नुकसान हुआ। काफ़ी नुकसान जब हो गया, औस और खजरज के कुछ दानिश्वरों ने आपस में मिल बैठ कर ये तय किया कि आखिर कब तक लड़ते रहेंगे, कब तक एक दूसरे का खून पीते रहेंगे, चलो ऐसा करते हैं, हम दोनों मिलकर मुत्तफिक होकर अपने में से किसी बड़े रईस को सरदार बनाते हैं और उसकी कमांडिंग में, उसके मातहत रहकर अपने सारे झगड़ों को ख़त्म करते हैं। और उन सबों ने मिलकर अब्दुल्ला बिन उबई का सिलेक्शन किया था। कहा कि अब्दुल्ला बिन उबई ये हमारा लीडर होगा, ये हमारा जो है रहबर होगा, उसकी क़ियादत में और उसकी मातहती में हम सब इकट्ठा होकर अपने इख्तिलाफ़ात ख़त्म कर लेंगे। और उसके लिए बाकायदा वो एक ताज बना रहे थे, ताज तैयार कर रहे थे, हम उसको ताज पहनाएंगे। हुआ ये कि उन्हीं दिनों मदीने वालों का ताल्लुक मक्के में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हो गया, इस्लाम की दावत मदीना पहुंच गई, तो मदीने वालों को अब्दुल्ला बिन उबई से बेहतर रहनुमा मिल गए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शक्ल में, अब्दुल्ला बिन उबई से बेहतर लीडर मिल गए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शक्ल में। तो इस तरह अब्दुल्ला बिन उबई को जो मकाम मिलने वाला था वो मकाम किसे मिल गया? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिल गया। मदीने वालों ने वो मानवी ताज गोया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहना दिया। यहीं से अब्दुल्ला बिन उबई ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके लाए हुए मज़हब दीन इस्लाम के ताल्लुक़ से अपने दिल में नफ़रत छुपा रखी, लेकिन चूँकि पूरा मदीना मुसलमान हो गया था, जाहिर नहीं कर सकता था, तो छुपाए रखा और ख़ुद को कुछ ज़ाती मफादात के लिए मुसलमान बताता था। और उसने कोशिश की कि मदीने के समाज में, मदीने के मुआशरे में उसकी हाँ में हाँ मिलाने वाले उस जैसे मुनाफिकीन पैदा हो जाए। चुनांचे मदीने की ज़िंदगी में अब्दुल्ला बिन उबई बिन सलूल की कमांडिंग और उसकी मातहती में बाकायदा मुनाफिकीन का एक गिरोह तैयार हो गया। और हजरात, ये मुनाफिक उम्मत मुस्लिमा के लिए, इस्लाम के लिए, मुसलमानों के लिए इनसे ज़्यादा नुकसानदेह और कोई नहीं हो सकता। निफाक से बढ़कर इस उम्मत को किसी और ने नुकसान नहीं पहुंचाया, मुनाफिकीन से बढ़कर इस उम्मत को किसी और ने नुकसान नहीं पहुंचाया। ये मुनाफिकीन ये आस्तीन के सांप होते हैं, कब डस लेंगे, कहाँ डस लेंगे, कुछ खबर नहीं। ये छुपे हुए दुश्मन होते हैं, ये पीठ पीछे से वार करते हैं। काफिर के नुकसान से बचना आसान है, मुशरिक के नुकसान से बचना आसान है, इसलिए कि वो खुला दुश्मन है और वो सामने से वार करता है। मुनाफिक के नुकसान से बचना बहुत मुश्किल, इसलिए कि वो छुपा दुश्मन है और पीछे से वार करता है, और कब उसकी जानिब से वार हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। मदीने की ज़िंदगी जो 10 साला ज़िंदगी है, मदीने की 10 साला ज़िंदगी में आप देखेंगे अल्लाह अल्लाह कैसा उन्होंने नुकसान पहुंचाया मुसलमानों को, कैसी कैसी साजिशें की उन्होंने मुसलमानों के ख़िलाफ़, कैसी कैसी चालें चली उन्होंने मुसलमानों के ख़िलाफ़। थे तो मुसलमानों के साथ रहते थे, मुसलमानों के साथ बैठते थे, ख़ुद को मुसलमान बताते थे, मस्जिद नबवी में हाज़री देते थे, मशवरों में हाज़िर होते थे, लेकिन मुसलमानों के हक़ में सबसे ज़्यादा नुकसानदेह थे। क्या किरदार था इन मुनाफिकीन का मदीने में? मुनाफिकीन के किरदार की चंद नुमायाँ ख़ुसूसियत थी। सबसे पहली सिफत मुनाफिकीन की मफाद परस्ती। मुनाफिक खुद गरज होता है, मुनाफिक मफाद परस्त होता है। उसे बहर सूरत पैसा चाहिए, उसे बहर सूरत दौलत चाहिए, उसे बहर सूरत अपनी ज़ात का फ़ायदा चाहिए। ज़मीर बेच कर सही, ईमान बेच कर सही, सच्चाई का सौदा करके सही, धोखा देकर सही, उसे बहर सूरत दुनियावी मफाद चाहिए। मुनाफिक मफाद परस्त होता था। इसीलिए आप देखेंगे प्यारे नबी ने फरमाया कि मुनाफिकीन के लिए बहुत मुश्किल हैं ये 2 नमाज़ें, नमाज फजर और नमाज ईशा। लेकिन कहा अगर इन्हें मालूम हो जाए, अगर इन्हें मालूम हो जाए कि मस्जिद में फजर की नमाज में और ईशा की नमाज में हड्डियां तकसीम हो रही हैं, तो ये मुनाफिक चलने की ताकत ना हो तो उन हड्डियों को हासिल करने के लिए रेंगते हुए आएंगे। हाँ, हड्डी समझ रहे हैं? हड्डी कौन खाता है? कुत्ता खाता है। शरीयत ने हड्डी कहकर उनको कुत्तों से तशबीह दी है। जी हाँ, मफाद परस्त होते हैं। दुनियावी फ़ायदा, ईमान गवा कर सही, अकीदा लुटा कर सही, दुनियावी फ़ायदा उन्हें अजीज़ होता है। ये याद रखना मुनाफिकाना किरदार होता है। जहाँ हम दुनिया के फ़ायदे के लिए अपने अक़ीदे को बेचें, जहाँ हम दुनिया के फ़ायदे के लिए अपने ईमान को बेचें, जहाँ हम दुनिया के फ़ायदे के लिए दीन के सिलसिले में कॉम्प्रोमाइज़ करें, ये मुनाफिकाना किरदार की सबसे बड़ी पहचान है। हत्ता के जिहाद होता था, सुभान अल्लाह, जिहाद में चाहे मुसलमान जीतें चाहे काफिर जीतें, दोनों सूरतों में इनका अपना हिस्सा तो तय है। कुरान कहता है अल्लज़ीन यतरब्बसून बिकुम फ़इन कान लकुम फ़तहुम मिन अल्लाह क़ालू अलम नकुम मअकुम व इन कान लिलकाफ़िरीन नसीब क़ालू अलम नस्तहविज़ अलैकुम व नमनअकुम मिनल मुमिनीन। जंग हुई और जिहाद में मुसलमान जीत गए, काफिर हार गए, और माले गनीमत मुसलमानों को मिला। माले गनीमत की तकसीम के वक्त सबसे आगे आगे ये रहेंगे, लड़ाई में सबसे पीछे पीछे थे, सबसे पीछे थे जिहाद में, और माले गनीमत जब बट रहा है पहली सफ में उन्हें खड़े हुए देखोगे और क्या बोल रहे होंगे, अलम नकुम माकुम, हम तो तुम्हारे साथ थे, तुम्हारी सफ़ों में, हम भी मुसलमान हैं, हमें दो, हमें दो। अच्छा, अगर जंग का नतीजा ये निकले मुसलमान हार गए, काफिर जीत गए, मुसलमानों का माल काफिर माले गनीमत के तौर पे ले गए, तब भी इनका हिस्सा तय है। काफिरों के पास जाते हैं और कहते हैं अलम नस्तहविज़ अलैकुम व नमनअकुम मिनल मुमिनीन, क्या हम मुसलमानों के अंदर रहकर मुसलमानों का इन्फॉर्मेशन दे रहे थे कि नहीं, तुमको जासूसी कर रहे थे कि नहीं, उनकी खबरें तुम्हें पहुंचा रहे थे कि नहीं, अंदर से तुम्हारे साथ हैं कि नहीं, हमारा हिस्सा दो। जंग का नतीजा चाहे कुछ भी हो, मुसलमान जीतें काफिर जीतें, इनका हिस्सा तो तय है। पता चला निफाक की एक पहचान, मुनाफिक की पहली सिफत यह है कि मुनाफिक मादा परस्त होता है, मादा परस्त होता है, लालची होता है, हरीस होता है, हवस परस्त होता है, हिरसो हवस की हुक्मरानी होती है उसके दिल पर। और हजरात, मुनाफिक की एक सिफत ये, निफाक की एक शनाख्त और निफाक की एक पहचान ये भी है कि इज्तिमाई, जैसे कि हमने कहा, रहते तो मुसलमानों के साथ थे, लेकिन जब कभी प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी इज्तिमाई बैठक में होते, इज्तिमाई मशवरे में होते, शरीयत के आदाब में से एक अदब है कि जब अमीर के साथ इज्तिमाई मशवरा हो रहा है और तुम सब बैठे हुए हो, बग़ैर परमिशन के बाहर नहीं निकलना, बग़ैर इजाज़त के बाहर नहीं निकलना। कुरान ने कहा इन्नमल मुमिनून अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाह वजिलत क़ुलूब इन्नमल मुमिनून अल्लज़ीना आमनू बिल्लाहि व रसूलिहि व इज़ा कानू मअहू अला अम्रिन जामिअ लम यज़हबू हत्ता यस्तअज़िनू। कि मोमिन जब प्यारे नबी के साथ किसी इज्तिमाई मामले में होते हैं, इज्तिमाई मशवरे में होते हैं, परमिशन के बग़ैर नहीं जाते, इजाज़त के बग़ैर नहीं जाते। लेकिन ये मुनाफिक क्या करते थे, प्यारे नबी के साथ इज्तिमाई मशवरे में बैठे रहते, हाँ, आहिस्ता से नज़रें बचाकर खिसक के निकल जाते थे, इज्तिमाई मशवरों से गायब हो जाते थे। अल्लाह ताला को सूरह नूर में कहना पड़ा क़द यअलमुल्लाहु अल्लज़ीना यतसल्ललूना मिनकुम लिवाज़ा, कि तुम में से जो लोग नज़रें बचाकर, हाँ, आहिस्ता से, जो मशवरों से, मीटिंग से निकल जाते हैं, अल्लाह उनको खूब जानता है और अल्लाह उनको खूब देख रहा है। तो निफाक की एक सिफत यह भी, इज्तिमाई मशवरों में इज्तिमाइयत का लिहाज किए बग़ैर, अमीर की इजाज़त के बग़ैर, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परमिशन के बग़ैर वो जो निकल जाया करते। और हजरात, ऐन मौक़ों पर, ऐन लड़ाई के मौक़ों पर, जब मुसलमान अपने दुश्मन का सामना कर रहे होते, मुसलमानों के हौसले पस्त करते थे ये लोग, मुसलमानों की हिम्मत पस्त करते थे ये लोग। हमने बयान किया ग़ज़वे उहुद के वाक़ियात में, ग़ज़वे उहुद में काफिर 3000 की तादाद में आए थे, मुसलमान 1000 की तादाद में निकले। आधे रास्ते से मुनाफिकों का सरदार अब्दुल्ला बिन उबई बिन सलूल अपने 300 साथियों को लेकर लौट गया। कितनी बड़ी बात है, पहले से 3000 के मुकाबले में 1000 हैं मुसलमान, और उस 1000 में भी 300 साथियों को लेकर लौट गया। और जिसकी वजह से, जाहिर बात है जंग का मौका ऐसा होता है मेरे भाई, एक सिपाही अगर पीठ फेर कर भागे ना, एक सिपाही मैदान छोड़कर भागे, उसकी वजह से सबके हौसले पस्त होते हैं। इसीलिए शरीयत ने कहा मैदान जंग छोड़ के भागना बहुत बड़ा गुनाह है, कबीरा गुनाह है, इसलिए कि एक भागने वाले का नुकसान पूरी फौज पे पड़ता। और यहाँ ये सफ़र से, आधे रास्ते से अपने 300 साथियों को लेके लौट गए। और ग़ज़वे खंदक में आप देखेंगे, ग़ज़वे खंदक के मौके पर आप देखेंगे, अल्लाह अकबर, हाँ, ख़ुद तो मैदान जंग छोड़ के भाग रहे थे और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिर्फ के पास आके इजाज़त चाह रहे थे, हमारे घर ख़तरे में है, हमें इजाज़त दीजिए। और दूसरे सहाबा जो साबित कदमी से जमे हुए थे, उनके हौसले पस्त कर रहे थे। तो मुनाफिक इस हैसियत से बहुत नुकसानदेह साबित होता है मुस्लिम समाज और मुस्लिम सोसाइटी के लिए। और हजरात, एक और उनका किरदार जिसकी तरफ हमने कल के दर्स में इशारा किया था, वो किरदार था मस्जिद ज़रार जो उन्होंने बनाई। मस्जिद ज़रार मुसलमानों में इंतशार पैदा करने के लिए, मुसलमानों की सफ़ों में फूट डालने के लिए, मस्जिद नबवी में जो इत्तेहाद था उसमें फूट डालने के लिए और अल्लाह के दुश्मनों के लिए एक मरकज़ फराहम करने के लिए मस्जिद, उन्होंने एक बाकायदा एक मस्जिद बनाई। प्यारे नबी से रिक्वेस्ट की, दरख्वास्त की कि तशरीफ़ लाइए और हमारी बनाई हुई मस्जिद में नमाज़ पढ़िए, इसलिए कि मौसम में, हर तरह के मौसम में मस्जिद नबवी आना बहुत मुश्किल होता है। आसमान से वही आ गई, ला तकुम फीही अबदा, ला तकुम फीही अबदा, ऐ पैगम्बर हरगिज़ हरगिज़ इनकी बनाई हुई मस्जिद में नमाज ना पढ़िए। लमस्जिद उस्सिस अला तक़वा मिन अव्वल यौम अहक़्क़ु अन तक़ूम फ़ी, वो मस्जिद क़ुबा, वो मस्जिद नबवी जिसकी बुनियाद रोज़े अव्वल से तक़वे पर रखी गई है। आपकी इबादतें यहाँ होनी चाहिए, ये मस्जिदें ज़्यादा आपकी इबादतों का हक़ रखती हैं। हजरात, मुनाफिकीन की सबसे बड़ी शरारतें जो हुई वो अहदे नबुव्वत में एक जंग हुई, ग़ज़वा बनिल मुस्तलिक़। ग़ज़वा बनिल मुस्तलिक़ में दो बड़ी शरारतें मुनाफिकीन ने की, बहुत बड़ी शरारतें। पहली शरारत तो उन्होंने ये की, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ग़ज़वा बनिल मुस्तलिक़ से फारिग होकर, जंग से फारिग होकर लौट रहे थे। आप रास्ते में क्या हुआ, पनघट पर एक जगह पड़ाव किए हुए थे। पनघट पर जहाँ पानी लिया जाता है, एक अंसारी और एक मुहाजिर सहाबी के दरमियान ज़रा झगड़ा हो गया। बशर है, इंसान है, मर्जियात का टकराव हो जाता है। दोनों सच्चे मुसलमान हैं, एक अंसारी और एक सहाबी के दरमियान झगड़ा हो गया और देखते ही देखते क्या हुआ, अंसारी सहाबी ने अंसार को पुकारा, या लल अंसार का, और मुहाजिर सहाबी ने मुहाजिरीन को पुकारा, या लल मुहाजिरीन का। मुहाजिर साहबा आकर मुहाजिर के साथ हो गए, अंसारी साहबा आकर अंसारी के साथ हो गए और करीब था कि तलवारें नियाम से बाहर आती। प्यारे नबी को पता चला, प्यारे नबी फ़ौरन दौड़े आए, आपने फ़ौरन तदारुक किया, फ़ौरन तदारुक किया, कहा दऊहा फ़इन्नहा मुंतिना, कहा कि ये नारे बदबोदार नारे, छोड़ दो इन नारों को। हाँ, अंसार और मुहाजिरीन के अलक़ाब बड़े मुक़द्दस लक़ब हैं, इन अलक़ाब के साथ कुरान मजीद में जन्नत की बशारतें सुनाई गई हैं। लेकिन जब यही अलक़ाब असबियतों के तर्जुमान बन गए, इन अलक़ाब के पीछे जाहिली असबियतें आ गईं, तो प्यारे नबी ने इन नारों को बदबोदार नारा करार दिया। खैर, ये वाक़िया हुआ, मसला ख़त्म हो गया। इस वाक़िए पर अब्दुल्ला बिन उबई बिन सलूल ने, जो मुनाफिकों का सरदार था, इस वाक़े पर तबसरा करते हुए कहा, लइन रजाना इलल मदीना लयुखरिजन्नल अअज़्ज़ु मिनहल अज़ल, कहा कि मुहाजिरीन ने जिनको हमने पनाह दी है, मक्के के ये लोग, और आज इन्होंने हमारे साथ ऐसा किया, कहा मदीना लौटने दो, मदीना लौट के हम में से जो इज्जत वाला है वह हम में से जलील शख्स को मदीने से निकाल बाहर करेगा। क्या कहना चाह रहा था वो, कि मदीना लौट के हम पूरे मुहाजिरीन को मदीने से बाहर निकाल देंगे। ये बात एक सहाबी ने सुन ली, अली बिन ज़ैद बिन अरकम थे रजी अल्लाह अन्हु, प्यारे नबी को आके सुना दी, प्यारे नबी को आके सुना दी। अब्दुल्ला बिन उबई बिन सलूल ने ऐसी बात कही कि मदीना लौटकर वो जो इज्जत वाला अपने आप को समझ रहा है, हम मुहाजिरीन को जिन्हें वो जलील लोग समझता है, मदीने से निकाल बाहर करेगा। अब्दुल्ला बिन उबई ने कहा, मैंने ऐसी बात नहीं कही, मुनाफिक तो झूठे होते ही हैं। आसमान से वही आ गई, वही इलाही ने बताया कि इसने ये बात ज़रूर कही है, और जब वही इलाही ने तस्दीक कर दी कि मुनाफिक ने ऐसी बात कही है कि मदीना पहुंचकर हम इन मुहाजिरीन को मदीने से निकाल बाहर करेंगे, तो प्यारे नबी के पास अब्दुल्ला बिन उबई के कत्ल के मशवरे होने लगे। सहाबा इजाज़त चाहने लगे, अल्लाह के नबी इजाज़त दीजिए, इस मुनाफिक की गर्दन मार देंगे। उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह अन्हु वगैरह। अल्लाह अकबर, सुबहान अल्लाह, अल्लाह की कुदरत के करिश्मे अजीब होते हैं। बाप रईसुल मुनाफिकीन अब्दुल्ला बिन उबई बिन सलूल, और उसकी गोद में पलने वाला, उसके घर में पलने वाला बेटा, बेटे का नाम भी अब्दुल्ला, वो सादिकुल ईमान, सच्चे मुसलमान। रईसुल मुनाफिकीन अब्दुल्ला बिन उबई बिन सलूल के फर्जन, उनका नाम भी अब्दुल्ला, वो नेक इंसान थे, सच्चे और सादिकुल ईमान थे, और इस जंग में वो भी शरीक थे। उड़ती उड़ती बात उनके कानों तक पहुंची कि आज मेरे बाप ने मुहाजिरीन को जलील करार दिया और मेरे बाप ने ये कहा है कि मदीना पहुंच के हम इन मुहाजिरीन को मदीने से निकाल बाहर करेंगे। और ये भी मालूम हुआ कि इस बात की वजह से प्यारे नबी के पास मेरे बाप के कत्ल के मशवरे हो रहे हैं। बेटा बेटा होता है, कहीं ना कहीं बाप की मोहब्बत छुपी रहती है। अब्दुल्ला बिन उबई बिन सलूल रजी अल्लाह अन्हु, जैसे उन्हें मालूम हुआ कि प्यारे नबी के पास उनके बाप के कत्ल के मशवरे हो रहे हैं, दौड़े दौड़े अल्लाह के नबी के पास गए और कहा, अल्लाह के नबी, पता चला कि मेरे बाप ने ऐसी बात कही है, मुहाजिरीन, मेरे मुहाजिर साथियों को उसने जलील करार दिया और ये कहा कि उसने मदीना जाके वो निकाल बाहर करेगा। और अल्लाह के नबी, ये भी पता चला कि आप मेरे बाप को कत्ल करने का इरादा रखते हैं। कहा, अल्लाह के नबी, अगर बात ऐसी ही है कि इस जुर्म में अगर आप मेरे बाप को कत्ल करने का इरादा रखते हैं, तो अल्लाह के नबी, मेरे बाप को कत्ल करने का हुक्म किसी और को नहीं, मुझे दीजिए, मैं उसका सर आपकी खिदमत में हाजिर करूँगा। अल्लाह अकबर, मैं उसका सर आपकी खिदमत में हाजिर करूँगा। कुरान ने सच कहा, ला तजिदु कौमन युमिनून बिल्लाहि वल यौमिल आखिर युहाद्दून मन हाद्दल्लाह व रसूलह वलौ कानू आबाहुम औ इख्वानहुम औ अशीरतहुम उलाइका कतब फी कुलूबिहिमुल ईमान। ईमान वालों की पहचान है कि जो अल्लाह और उसके रसूल का दुश्मन होता है, वो कभी उससे मोहब्बत नहीं करते, वो उनका बाप क्यों ना हो, उनका कुंबा कबीला क्यों ना हो। ये वो लोग हैं कि जिनके दिलों में अल्लाह ने ईमान रासिख कर दिया और लिख दिया है। कहा, अल्लाह के नबी, अगर मेरे बाप को आप कत्ल करना ही चाहते हैं, तो कत्ल करने के लिए किसी और को नहीं, मुझे हुक्म दीजिए, मैं उसका सर आपकी खिदमत में हाजिर करूँगा। कहा, अल्लाह के नबी, दूसरों को मत कहिए। क्यों अल्लाह के नबी? कहा, अगर आप दूसरों से कहें मेरे बाप को कत्ल करने के लिए, और उसने मेरे बाप को कत्ल कर दिया, उस सहाबी के ताल्लुक से मेरे दिल में एक बात रह जाएगी कि इसने मेरे बाप को कत्ल किया है। मैं नहीं चाहता कि किसी मुसलमान के सिलसिले में मेरे दिल में ऐसी बात आए। रज़ी अल्लाहु अन्हु अर्ज़ा हज़रात, सहाबा का यही किरदार है जिसने आसमान से उन्हें बारहा ये बशारतें सुनाई, रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु। और सुभान अल्लाह, प्यारे नबी ने उस वक्त कहा, न मैं उसे कत्ल करना चाहता हूँ और न मेरा ऐसा कोई इरादा है। अब्दुल्ला बिन उबई बिन सलूल, देखो, जैसे अभी हम आगे भी एक वाक़या बताएंगे, कई बार वो वाजिबुल कत्ल था, इतनी हरकतें उसने की थी, कई बार वो वाजिबुल कत्ल था, लेकिन प्यारे नबी के हकीमाना फैसले, प्यारे नबी ने उसके लिए आखिरत की सज़ा को काफ़ी समझा। जो कुछ है वो सज़ा उसको आखिरत में मिले। आपको कुछ फितनों का अंदेशा था, इसलिए आपने उसको सज़ा नहीं दी। अच्छा, जब सफ़र ख़त्म हुआ, जिस सफ़र में अब्दुल्ला बिन उमई ने यह कहा था कि मदीना पहुँचकर हम मुहाजिरीन को मदीने से बाहर निकाल देंगे, जब ये काफ़िला मदीना पहुँचा तो हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह अन्हु आगे बढ़कर मदीने के बाबू दाखिला पे खड़े हो गए। मदीने का जो गेट है, जहाँ से लोग मदीने में दाखिल होते, वहाँ खड़े हो गए, तलवार निकाल ली, और अपना बाप अब्दुल्ला बिन उबई बिन सलूल जब मदीने में दाखिल होना चाहा, उन्होंने कहा कि तुमने कहा था कि इस शहर से हमारे मुहाजिर साथियों को निकालोगे, आज तुम दाखिल नहीं हो सकते इस शहर के अंदर, जब तक नबी की इजाज़त ना हो, नबी का परमिशन ना हो। आपने मेरे मुहाजिर साथियों को मदीने से निकालने की बात की थी, आज तुम दाखिल नहीं हो सकते। तलवार निकाल के खड़े हो गए। फिर प्यारे नबी के कहने पर अब्दुल्ला हटे और अब्दुल्ला बिन उबई बिन सलूल को मदीने का दाखिला नसीब हुआ। एक वाक़िया तो ये वाक़िया है। दूसरा वाक़िया जो बड़ा ही अलमनाक वाक़िया और अहदे नबुव्वत का बहुत बड़ा सानेहा कहना चाहिए, और एक ऐसा वाक़िया जिस वाक़िए में मुनाफिकीन ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त व आबरू से खेलने की नऊज़ुबिल्लाह कोशिश की थी, वो वाक़िया। और वो वाक़िया है उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा पर जो बहतान लगाया गया, जिसे अफसाना इफ़्क कहा जाता है, जिसका तज़किरा कुरान मजीद ने सूरह नूर के दूसरे रुकू में किया है। हादिसा इफ़्क और अफसाना इफ़्क वाक़िया क्या है? प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत थी, प्यारे नबी जब भी कभी सफ़र पे जाना होता खुरा डालते अपनी बीवियों के नाम, और जिस उम्मुल मोमिनीन का नाम निकलता उन्हें सफ़र पे ले जाते। ग़ज़वा बनुल मुस्तलिक़ में कुरा उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा के नाम निकला और आप उम्मुल मोमिनीन को सफ़र में ले गए। जंग हो गई, जंग से फारिग होकर आ रहे थे, रात में एक जगह पड़ाव किया था आराम करने के लिए। पड़ाव हुआ, सुबह की नमाज पढ़ी गई। सुबह की नमाज पढ़कर हुआ ये कि माई आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा सुबह जब क़ज़ाए हाजत के लिए गईं तो वहाँ उनका हार गुम हो गया था। माई आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा जब वापस आई अपनी जगह जहाँ मुसलमान पड़ाव किए थे, देखा कि हार गुम हो गया। हार तलाश करने के लिए निकली, उधर हार तलाश करने के लिए माई आयशा निकली और इधर प्यारे नबी ने हुक्म दे दिया कूच करने का कि सब निकल जाओ। सब निकल गए, काफिला निकल गया। माई आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा हौदज में थी। उस ज़माने में जो ख़वातीन होती थीं, खुसूसन मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन को हौदज में उठाया, जैसे पालकी होती है हौदज में उठाया जाता था। माई आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा का जो हौदज था, जो सहाबा उसके मुकल्लफ थे, वो उसको उठा कर ले गए। और हज़रत आयशा फरमाती हैं, मैं उसके अंदर मौजूद न थी और मेरी कमी का एहसास उन्हें इसलिए नहीं हुआ, मैं बहुत दुबली पतली सी थी, मैं ज़्यादा वज़न ना थी। बाद में हज़रत आयशा मोटी हुई थी। कहा कि मेरा हौदज लेके लोग निकल गए, लोग रवाना हो गए, काफिला कूच कर गया और उठाने वालों को ख़बर नहीं कि हज़रत आयशा उसके अंदर नहीं हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख़बर नहीं कि हज़रत आयशा पीछे छूट गई हैं। काफिला निकल गया, बहुत दूर निकल गया। फिर आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा हार तलाश करके आईं, हार मिला और आईं तो देखा कि काफिला जा चुका है। समझदार खातून थीं, उन्होंने वो परेशान ना हुई, उन्हें यकीन था आगे चल के जब प्यारे नबी गुम पाएंगे, मुझे नहीं पाएंगे, किसी न किसी को भेजेंगे। माई आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा उसी मुकाम पे बैठी रह गईं, यहाँ तक कि उन्हें आंख लग गई, सो गई आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा। प्यारे नबी की आदत थी किसी भी जगह आप जब पड़ाव करते, रास्ते में जब काफिला निकल जाता, काफिला निकलने के बाद आप किसी सहाबी को ये जिम्मेदारी दे के जाते, हमारे यहाँ से निकलने के बाद इस पूरे एरिया का जायज़ा ले लेना कि कहीं कोई चीज़ हमारी छूटी ना हो। इस वक्त ये जिम्मेदारी सहाबी रसूल सफ़वान बिन मुअत्तल अस्सुलमी रज़ी अल्लाह अन्हु को दी गई थी। सफ़वान बिन मुअत्तल अस्सुलमी रज़ी अल्लाह अन्हु काफिले के जाने के बाद सफ़वान रज़ी अल्लाह अन्हु उस पूरे इलाके का जहाँ काफिला जो है काफ़ी फैला हुआ जो है पड़ाव किया था, जायज़ा ले रहे थे कि अचानक एक इंसान बैठा हुआ नज़र आया। करीब देखे तो क्या देखते हैं कि उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा हैं। हज़रत आयशा कहती हैं कि पर्दे की आयत नाजिल होने से क़बल सफ़वान मुझे देख चुके थे, इसलिए वो मुझे देखते ही पहचान गए। तो सफ़वान की नज़र रज़ी अल्लाह अन्हा जैसे ही उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा पे पड़ी, उन्होंने आवाज़ बुलंद इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ा। हज़रत आयशा कहती हैं जैसे ही सफ़वान ने इन्ना लिल्लाह पढ़ा, मेरी आँख खुल गई और मैं क्या देखती हूँ कि सफ़वान खड़े। कहते हैं अल्लाह की कसम, न मैंने कोई गुफ्तगू की उनसे, न उन्होंने कोई गुफ्तगू की मुझसे, बस उन्होंने सवारी को बैठाया, बैठा के सिर्फ इशारा किया कि बैठ जाइए। मैं बैठ गई और वो सवारी को दौड़ाते हुए लेकर आए, काफिले में शामिल हो गए। बात इतनी ही थी। मुनाफिकीन ने नऊज़ुबिल्लाह सुम्मा नऊज़ुबिल्लाह यहीं से प्रोपगंडा शुरू किया कि सफ़वान और आयशा रज़ी अल्लाह अन्हुमा दोनों देर से आए, ताख़ीर से आकर फ़ौज में शामिल हुए। नऊज़ुबिल्लाह यहीं से उन्होंने माई आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा के किरदार पर, आपके कैरेक्टर पर, आपके अखलाक पर वो धब्बा लगा दिया जो किसी पाक दामन खातून की आबरू के लिए सबसे बड़ा धब्बा हो सकता है। नऊज़ुबिल्लाह। मुनाफिकीन ने प्रोपगंडा शुरू किया, हज़रत सफ़वान को इल्ज़ाम देने लगे, आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा को इल्ज़ाम देने लगे और सफ़र भर यही बातें वो फैलाते रहे। दोनों देर से आए, दाल में कुछ काला है, ऐसा है, वैसा है, कहते रहे नऊज़ुबिल्लाह सुम्मा नऊज़ुबिल्लाह। यहाँ तक कि फ़ौज मदीने में पहुँच गई। मदीने में दाखिल होने के बाद मदीने में भी, सारे मदीने में उन्होंने ये नऊज़ुबिल्लाह ये अफवाह फैला दी। सारे मदीने में उन्होंने नऊज़ुबिल्लाह ये अफवाह फैला कर रख दी। माई आयशा सिद्दीक़ा को कोई ख़बर नहीं उनके बारे में क्या कहा जा रहा है, क्या बहतान लग रहा है, आपके दामने इस्मत को कैसे तार तार करने की कोशिशें हो रही। माई आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं, मैं मदीना आने के बाद ज़रा बीमार हो गई, मुझे कुछ खबर नहीं कि मदीने में मेरे बारे में क्या क्या गुफ्तगू हो रही। बस इतना देखती थी कि प्यारे नबी के अंदर पहले जैसी अपनाइयत थी वैसी अपनाइयत मैं नहीं देख रही थी। मदीना आने के बाद मैं बीमार हो गई थी तो मैंने आपसे इजाज़त ली, आपसे परमिशन लिया कि मैं अपने मैके जाती हूँ, वालिदैन के यहाँ। पहले नबी ने इजाज़त दे दी, मैं मैके चली गई। अब इधर सारे मदीने में यही मौजूए बहस है। मुनाफिकीन का पूरा ग्रुप नऊज़ुबिल्लाह सुम्मा नऊज़ुबिल्लाह माई आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा की आबरू को लेकर खिलवाड़ कर रहा था। और हुआ ये मेरे भाई, मुनाफिकीन का वजूद मुसलमानों के सफ़ों में कितना नुकसानदेह होता, अंदाज़ा करो कि इस मुनाफिकीन के प्रोपगंडे की जद में 3 सच्चे मुसलमान भी आ गए। हस्सान बिन साबित रज़ियल्लाहु अन्हु, मिस्ताह बिन असासा रज़ियल्लाहु अन्हु, हमना बिनत जहश रज़ी अल्लाह अन्हा, ये औरत थी, सहाबिया थी। मुनाफिकीन जो कह रहे थे, मुनाफिकीन के प्रोपगंडे की जद में ये तीनों आ गए। इनकी ज़बान से भी ऐसे जुमले निकल गए जिससे उम्मुल मोमिनीन की आबरू पे आंच आती थी और आ सकती थी। गौर करो मुनाफिकीन का शर कितना बड़ा होता है। हालांकि ये वो सहाबा हैं, हस्सान बिन साबित रज़ी अल्लाह अन्हु शायर रसूल हैं। वो शायरी में प्यारे नबी के ताल्लुक़ से अपने जज्बात का इजहार इन अल्फाज में करते थे, फ़इन्ना अबी व वालिदती व इर्ज़ी लिइर्ज़ मुहम्मद मिनकुम बिखाऊ। काफिरों से चैलेंज करते हुए कहा था कि अल्लाह की कसम, अगर किसी दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त व आबरू पे आंच आए तो मैं आपकी जानिब से दिफा करने के लिए मेरे माँ बाप की इज़्ज़त व आबरू को कुर्बान कर दूँगा। ऐसे सच्चे जज्बात रखने वाले सहाबी भी मुनाफिकीन के प्रोपगंडे की जद में आ गए। सोचो कि निफाक हमारे लिए, मुस्लिम समाज के लिए, मुस्लिम सोसाइटी के लिए कितना बड़ा ख़तरा है और कितना बड़ा नुकसानदेह होता है। प्यारे नबी परेशान है, आसमान से कोई वही भी नहीं आ रही। प्यारे नबी बहुत परेशान है, लोगों से मशवरे कर रहे हैं आप, लोगों को बुला बुला के पूछ रहे हैं आप। तकरीर करते हुए आपने कहा, लोगों क्या कहते हो, एक तो आयशा ऐसी नहीं हो सकती, दूसरे सफ़वान बिन मुअत्तल जिनका नाम लिया जा रहा वो भी साहिब खैर है, वो भी ऐसे नहीं हो सकते। आपने बरीरा को बुलाया जो हज़रत आयशा की लौंडी थी, बरीरा को बुला के पूछा, बरीरा तुम क्या कहती हो, क्या तुम्हें लगता है कि क्या आयशा ऐसा कर सकती हैं? बरीरा के अल्लाह के नबी सच्ची बात कहूँ, आयशा के साथ इतने साल जो मैंने गुजारे आज तक कोई कमज़ोरी उनके किरदार में नहीं देखी। ज़्यादा से ज़्यादा कोई मुलाहजा मैंने किया है, कोई कमज़ोरी देखी है तो ये है कि ज़रा कम उम्र है, आटा कला के दरवाज़ा खुला छोड़ देती हैं, बकरी आके उस बर्तन में मुँह डाल देती है। यही एक कमज़ोरी पूरी ज़िंदगी में मैंने देखी है, इससे बढ़कर मैंने और कुछ नहीं देखा है। इधर आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा को कोई ख़बर नहीं। ख़बर कब हुई कैसे भी जानते हैं। एक मरतबा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा जो अपने मायके में थी, अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु के घर, क़ज़ाए हाजत, बीमार थी चूँकि, क़ज़ाए हाजत के लिए गईं और क़ज़ाए हाजत के लिए उनको लेकर जाने वाली उम्मे मिस्ताह थी, मिस्ताह बिन असासा की माँ। क़ज़ाए हाजत से फ़ारिग़ होकर जब हज़रत आयशा आ रही थी, उम्मे मिस्ताह को मिस्ताह की माँ को ठोकर लगी। ठोकर लगते ही उनकी ज़बान से एक जुमला निकला, तईस मिस्ताह, मिस्ताह गारत हो जाए, मिस्ताह हलाक हो जाए। हज़रत आयशा कहती हैं, माँ हैं वो मिस्ताह की और मिस्ताह के बारे में ऐसा जुमला, मैंने कहा कि तुम्हारा अपना बेटा है मिस्ताह, बदरी साहबी है, और आप उनके सिलसिले में बद्दुआ दे रहे हैं, ऐसा क्यों? तब उम्मे मिस्ताह ने हज़रत आयशा को बताया, बेटी क्या नहीं मालूम तुम्हें कि मिस्ताह ने मुनाफिकीन के साथ मिलकर तुम्हारे सिलसिले में क्या प्रोपेगेंडा कर रखा है? मैंने कहा क्या कर रखा है? तुम्हारे सिलसिले में जब से तुम सफ़वान बिन मुअत्तल के साथ देर से आई, मुनाफिकीन ने प्रोपेगेंडा शुरू कर रखा है, पूरे मदीने में यही बात हो रही। हज़रत आयशा कहती हैं कि ये पहला मौका था जब मुझे मेरे कानों से ये बहतान की बात टकराई। फरमाती हैं मेरे कदमों तले से ज़मीन खिसक गई। दुनिया वालों ने किसको छोड़ा है? दुनिया वालों की ज़बान से कौन बच सकता बताओ? आयशा सिद्दीक़ा जैसी ताहिरा पाकबाज खातून दुनिया वालों की ज़बानों से बच न सकी। मरियम जैसी पाकबाज खातून दुनिया वालों की ज़बानों से बच न सकी। इंसानों की इन ज़बानों से कौन बच सकता है? हज़रत आयशा कहती हैं कि जब से मुझे मालूम हुआ बस मेरा एक ही मशगला था, रोना 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 रोना। दिन भर मेरा रोने में गुजरता, रात भर मेरी रोने में गुजरती। फरमाती हैं अंसारी खातून आती थीं हमदर्दी के जज्बे को लेकर, मेरे साथ बैठती थीं, वो भी थोड़ी देर मेरे साथ रोती थीं, आंसू बहाती थीं और उठ के चली जाती थीं। प्यारे नबी गए हज़रत आयशा के पास, जाके कहा आयशा देखो सच कहो, सच कहो, अगर तुमसे गलती हुई है तो तौबा करो, अल्लाह माफ़ करने वाला है। आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा ने कहा कि अगर मैं सच कहूँ और ये कहूँ कि हमने कुछ नहीं किया तो आप नहीं मानेंगे, और अगर मैं झूठ कहूँ और कहूँ कि हाँ गलती हो गई तो पहले मान लोगे आप लोग? कहा कि मेरे लिए इसके सिवा कोई चारा नहीं कि अबू यूसुफ़ की तरह से सब्र करूं, यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के बाप की तरह से सब्र करूं। हज़रत आयशा कहती हैं मैं गम से इतनी निढाल थी कि याकूब अलैहिस्सलाम का नाम भी मुझे याद नहीं आ रहा था, इसलिए अबू यूसुफ़ कहा। यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के बाप की तरह मैं सब्र करूँगी। बेटा खो जाने के बाद उन्होंने कहा था फसब्रुन जमील। अल्लाह अकबर। हज़रात पूरा एक महीना गुजरा, एक महीना प्यारे नबी परेशान रहे, और एक महीने के बाद अल्लाहु अकबर आसमान से वही आ गई, वो आयतें नाजिल हो गई जिसमें उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा की बरात का ऐलान और उम्मुल मोमिनीन की पाक दामनी की शहादत देने वाली और क़ियामत तक पढ़ी जाने वाली आयतें नाजिल हो गई। सूरह नूर का दूसरा पूरा रुकू उसी सिलसिले में, इन्नल्लज़ीना जाऊ बिल-इफ़्क उसबतुम मिनकुम ला तहसबूहु शर्रन लकुम बल हुवा ख़ैरुन लकुम लिकुल्लि इम्रि'इन मिनहुम मक्तसब मिनल इस्म वल्लज़ी तवल्ला किब्रहु मिनहुम लहु अज़ाबुन अज़ीम। सारी आयतें, और उन आयतों में अरबी ज़बान के उसलूब के एतबार से अगर आप देखें मुफस्सिरीन लिखते हैं अल्लाह अकबर कि पूरे कुरान के अंदर सूरह फातिहा से नास तक में अल्लाह ताला का गुस्सा जैसे इन आयतों में नज़र आता है, पूरे कुरान में कहीं अल्लाह का गुस्सा ऐसा नज़र नहीं आता। अल्लाह अकबर। और अल्लाह ने ये कहा लौला इस समिअ्तुमूहु क़ुल्तुम मा यकूनु लना अन नतकल्लम बिहादा सुब्हानक हादा बुहतानुन अज़ीम। बड़े सबक हैं इस वाक़िए के अंदर जो पोशीदा असबाक है वह ख़ुद एक मुस्तकिल मौजू। कुरान ने कहा नबी की बीवी पर, नबी की बीवी पर, नबी की अहलिया पर तुमने इल्ज़ाम लगाने में तुम लोगों ने हिस्सा लिया, ऐसा क्यों ना हुआ? ऐसा क्यों ना हुआ कि जब तुमने ये अफवाहें सुनी तो साफ तौर पे कहे होते परवरदिगारा तेरी ज़ात पाक है, परवरदिगारा तेरी ज़ात पाक है। ऐसा नहीं हो सकता, ये खुला झूठ है, ये खुला बहतान है, ऐसा क्यों नहीं बोले तुम? सवाल ये है कहना क्या चाहिए? हाँ कहना ये चाहिए कि तुमने ये क्यों नहीं कहा कि आयशा पाक हैं, ये ना कहना चाहिए। अल्लाह ने कहा तुमने ये क्यों नहीं कहा कि अल्लाह तेरी ज़ात पाक है, ऐसा हो नहीं सकता। अल्लाह ने इस उसलूब से बता दिया कि आयशा पे इल्ज़ाम लगाना अल्लाह पर इल्ज़ाम लगाने के बराबर है, आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा पे इल्ज़ाम लगाना अल्लाह पर इल्ज़ाम लगाने के बराबर है कि जिसने ये कहा कि आयशा ने नऊज़ बिल्लाह ऐसा ऐसा किया है तो उसने नऊज़ बिल्लाह अल्लाह पे ये इल्ज़ाम लगाया है कि अल्लाह ताला ने अपने नबी के लिए ऐसी बदकार औरत का सिलेक्शन किया है। नौज़ुबिल्ला, ये डायरेक्ट अल्लाह पर इल्ज़ाम है। इसीलिए मुफस्सिरीन लिखते हैं जैसा अल्लाह का गैज़ व गज़ब इन आयतों में नजर आता है। आप देखो डेढ़ सफ़े की आयतों में 4-5 दफ़े वलौला फज़लुल्लाहि अलैकुम, वलौला फज़लुल्लाहि अलैकुम, अगर दुनिया में अल्लाह का फजलो करम ना होता, उसकी रहमत उसके गुस्से पे गालिब ना होती, अभी दुनिया ही में अजाब आ जाता और इस वाक़े में तुम लोग तहस नहस कर दिए जाते। सख्त आयतें नाजिल हुई। इन आयतों के नुज़ूल के बाद अल्लाह अकबर, तीनों सहाबा जो सादिक़ुल ईमान थे, हस्सान बिन साबित रज़ी अल्लाह अन्हु, मिस्ताह बिन असासा रज़ी अल्लाह अन्हु, हमना बिन्त जहश रज़ी अल्लाह अन्हा, इन तीनों को प्यारे नबी ने हद कज़फ़ लगाई, 80-80 कोड़े लगाए, पाक कर दिया उन्हें। कोई नाहक किसी पर बहतान लगाए उसकी सज़ा इस्लाम में 80 कोड़े हैं। इन तीनों साहबों को 80 कोड़े लगा दिए और इस गुनाह के धब्बे से पाक कर दिया उन्हें। और रईसुल मुनाफिकीन अब्दुल्ला बिन उबई बिन सलूल, प्यारे नबी खामोश रहे, उससे कुछ न किया। जैसा कि हमने कहा प्यारे नबी की हिकमतें अमली थी। अब्दुल्ला बिन उबई बिन सलूल ने इतने जराइम किए थे, वो कई बार वाजिबुल कत्ल था, लेकिन प्यारे नबी को उसे कत्ल करने की सूरत में कुछ फितनों का अंदेशा था, इसलिए प्यारे नबी ने उस नालायक के लिए आखिरत के अजाब को काफ़ी चल समझा। और कुरान मजीद ने भी कहा वल्लज़ी तवल्ला किब्रहु मिनहुम लहु अज़ाबुन अज़ीम, वल्लज़ी तवल्ला किब्रहु मिनहुम लहु अज़ाबुन अज़ीम, कि जिसने उम्मुल मोमिनीन पर इल्ज़ाम लगाने में और आपकी आबरू के साथ खिलवाड़ करने में जिसने अपना रोल अदा किया है, उसके लिए अलमनाक अजाब है। और वो उस अलमनाक अजाब तक वो रईसुल मुनाफिकीन पहुँच चुका है, आलम बरज़ख में भी उस पर गुजर रही होगी और आखिरत में भी उम्मुल मोमिनीन की के दामने इस्मत व इफ़्फ़त को तार तार करने की के अंजाम से उसे जो है दो चार होना पड़ेगा। हजरात, मदनी ज़िंदगी में ऐसी बहुत सारी शरारतें थीं, बहुत सारी शरारतें थीं मुनाफिकीन की, और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हिकमत अमली के तहत मुनाफिकीन के नाम छुपा रखे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आम सहाबा में ऐलान, चंद मुनाफिकीन थे, हर सहाबी जानता था, अब्दुल्ला बिन उबई मुनाफिक है, सब जानते थे, लेकिन चंद थे, चंद मुनाफिकीन जिनके बारे में आपने सिर्फ चंद सहाबा को बता रखा था। हुज़ैफ़ा बिन यमान, हुज़ैफ़ा बिन यमान साहिब उस्सिर थे, वो राजदार रसूल थे। वो प्यारे नबी ने उन्हें मुनाफिकीन की सिफ़ात बता रखी थी कि फ़लाँ मुनाफिक है, फ़लाँ मुनाफिक। इसीलिए हदीस और बाज़ तारीख़ी रिवायतों में आता है उमर बिन ख़त्ताब जाके हुज़ैफ़ा बिन यमान से पूछते थे, हुज़ैफ़ा, मुनाफिकीन की जो लिस्ट तुम्हारे पास है कहीं उसमें मेरा नाम तो नहीं है। अल्लाह अकबर, निफाक से इतना डरते थे सहाबा, निफाक से इतना डरते थे सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हुम व अर्ज़ा। और प्यारे नबी ने ये जो आम नाम मुनाफिकीन के नाम जो नहीं बताए सबको, उसके पीछे एक हिकमत अमली ये नज़र आती है कि ख़ुद कुरान मजीद के बयान से पता चलता है कि जो कभी मुनाफिक के थे आगे चल के वो तौबा करके सादिक़ुल ईमान बन गए। उनमें से बहुत सारे युअज़्ज़िबु मन यशा, अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह अहज़ाब में जहाँ मुनाफिकीन का तज़किरा किया है वहाँ इस जानिब इशारा किया है कि इन मुनाफिकीन में से कुछ आगे चल के तौबा करने वाले हैं। इसलिए चूँकि वो तौबा करने वाले थे, सादिक़ुल ईमान बनने वाले थे, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी शनाख्त सबको नहीं बताई, ताकि अगर कल के रोज़ वो सच्ची तौबा भी कर लें तो कहीं ऐसा ना हो उनके ताल्लुक़ से लोगों के दिलों में बदगुमानियाँ, गलत फहमियाँ ना पैदा हो जाएँ। इसलिए प्यारे नबी ने वो शनाख्त सबको नहीं बताई। हजरात, जैसा कि हमने कहा ये उम्मत अपनी पूरी तारीख में, ये उम्मत अपनी पूरी तारीख में, इस उम्मत ने हमेशा से शिकस्त खाई है इन्हीं मुनाफिकीन की वजह से। अब्दुल्ला बिन उबई बिन सलूल से लेकर मीर जाफ़र और मीर सादिक तक की पूरी तारीख यही बताती है कि हमने, हमारा सबसे बड़ा दुश्मन अगर कोई है मुनाफिक है, जो हमारी सफ़ों में रहकर, हमारी सफ़ों में रहकर दिमक की तरह से हमें चाटता है, दिमक की तरह से हमें चाटता है। वल्लाह, अगर हमारी सफ़ों में ये मुनाफिक ना होते तो तारीख़ में मुसलमान कभी कोई जंग ना हारते। हमने जो जंगें हारी हैं, हमने जो हुकूमतें गंवाई हैं, इन्हीं मुनाफिकीन की वजह से गंवाई हैं। आप बनु अब्बासिया की हुकूमत जो ख़त्म हुई, देखो कि कौन उसके पीछे, एक मुनाफिक जो शिया था, इब्नुल अलकमी जो मुनाफिक था, शिया था और सुन्नी हुकूमत में वजीर बना था, उसने जो तातारियों के साथ साजबाज करके हलाकु खान को बगदाद में आने का रास्ता हमवार किया, पूरी प्लानिंग उसने उसको दी। ये उम्मत हमेशा से शिकस्त खा ये मुनाफिकीन से। टीपू सुल्तान की तारीख भी यही बताती है कि टीपू सुल्तान अंग्रेज से शिकस्त खाए इसी मुनाफिक की वजह से और इसी मुनाफिकाना किरदार की वजह से। अल्लामा इकबाल ने कहा जाफर अज़ बंगाल सादिक़ अज़ दक्कन, जाफर अज़ बंगाल सादिक़ अज़ दक्कन, नंगे मिल्लत नंगे दीन नंगे वतन। बंगाल का जाफर और दक्कन का सादिक यही हैं जो घर के भेदी होकर हमारी लंका ढाते हैं, और ऐसे ही लोगों की वजह से उम्मत मुस्लिमा ने हमेशा बहुत नुकसान उठाया है। और यही वजह है कि कुरान मजीद कहता है इन्नल मुनाफिकीन फिद्दर्किल अस्फली मिनन नार, इन्नल मुनाफिकीन फिद्दर्किल अस्फली मिनन नार। कल जब हश्र की अदालत कायम होगी, इंसान जहन्नम में डाले जाएंगे, तो जहन्नम में सबसे सख्त अजाब इन्हीं मुनाफिकीन को होगा। अबू जहल से बदतर अजाब, अबू लहब से बदतर अजाब, नज़र बिन हारिस से बदतर अजाब अब्दुल्ला बिन उबई बिन सलूल और उसके कारिंदों को होगा और उसके साथियों को होगा। और तारीख़ में जो भी इस तरह का मुनाफिकाना किरदार रखते हैं, सबसे सख्त अजाब उनसे उन्हें होगा। रब्बुल आलमीन से दुआ है कि रब्बुल आलमीन हम सबको, आप सबको और उम्मत मुस्लिमा को ऐसे मुनाफिकों की शरारतों से, ऐसे मुनाफिकों के ख़तरात से रब्बुल आलमीन बचाए, हिफाजत फरमाए। इंशाअल्लाह ताला आने वाले 4 दिनों में हमारी गुफ्तगू और बकिया 4 अहम मौज़ूआत पर होगी। इंशाअल्लाह ताला दुआ है कि रब्बुल आलमीन हम सबको, आप सबको अपनी अमली ज़िंदगी को सीरत रसूल के सांचे में ढालने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।